नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका 30 लाख का होम लोन चल रहा है तो आप उससे 1 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा स्विच जो अपन जो करते हैं, टेक ओवर करते हैं लोन को, उसका क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक में आपने लोन ले रखा है उसमें ज़्यादा चल रही है और किसी और बैंक में आप ले जाते हैं जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रही है। जरा सी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस हो जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। टोटली मिला के मैं आपको आज बताऊंगा बैलेंस ट्रांसफर के क्या क्या बेनिफिट है अगर यदि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन पर ज़्यादा चल रही है। देखिए, आज की डेट में मैं ये मान के चलता हूँ लगभग हर जो कॉम्पिटिटिव प्राइवेट बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 6.7 के अराउंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। यानी कि SBI का तब 6.7 है तो बाकी सब भी इसी के अराउंड 5.5%, 0.05% कुछ इस टाइप से दे रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए कहीं पर आपका लोन 6.95 से चल रहा है और आप उसको टेक ओवर करवाते हैं नई रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7 के साथ, सिर्फ 0.25% का अंतर, और ये अंतर कितना डिफरेंस ला देता है आपको वो मैं आपको बताऊंगा अगर आपका लोन है वो अगर 30 साल का है तो। देखिए, मैंने एक सिंपल एक कैलकुलेटर लिया, EMI कैलकुलेटर, और मैंने ये कैलकुलेट करके देखा कि 6.7 पर मेरी रेट मेरा जो EMI है 30 साल का 30 लाख के लोन पर वो कितना बन रहा है। देखिए, वो बनता है 19,358 रुपये। और अगर यही मैं अगर यदि मान के चलो 6.95 यानी कि सिर्फ 0.25% ज़्यादा तो मेरा 19,858 बनता है जो कि 500 रुपये का डिफरेंस है। मतलब मेरी महीने की 500 रुपये की सेविंग हो रही है। आप बस इस चीज़ को नोट करिए कि 0.25 से 500 रुपये की मेरी मंथली सेविंग हो रही है। अब मैं ये बताता हूँ ये मंथली सेविंग आपको किस तरह आगे एडअप करनी है। सबसे बेस्ट है जो 500 रुपये जो आपके आ रहे हैं वो आप अपने सिप में डालिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड। अब आप कहोगे इतना अंतर कैसे, अरे भाई मैं ये इसका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, ऑनलाइन दिखाऊंगा, मैं किसी भी चीज़ को हवा में नहीं बोल रहा। मैं आपको बताऊंगा कि जो एक जो म्यूचुअल फंड है जो पिछले 18 साल से चल रहा है उसका रिटर्न कितना है, उसके बेसिस पे अगर आपने उसी म्यूचुअल फंड में अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर लो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। आइए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको बात कर लेता हूँ, मैं आपको एक म्यूचुअल फंड बताता हूँ, SBI इक्विटी फोकस्ड फंड, कि इसने पिछले 13 साल में 17-18 साल में कितना रिटर्न दिया। ये देखिए, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम गए और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके, ये देखिए एनुअलाइज रिटर्न कितना हो रहा है। ये इसी फंड का है मैं बात कर रहा हूँ, SBI फोकस इक्विटी फंड। यहाँ पर ये देखिए, अगर यदि आपने सिंस इंसेप्शन यानी कि 2004 में आज से लगभग 17 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हो और लगातार, तो जो एनुलाइज रिटर्न है वो आपको 20% मिलता है। अब आप ये मान के चलिए जिस म्यूचुअल फंड ने अगर 17 साल में 20% दिया है तो अगले 13 साल में भी वो 20% ही देगा, क्योंकि एनुलाइज इंटरेस्ट किया है मैंने, लगभग हर साल का एवरेज आउट कर दिया। अब जैसे पिछले 1 साल में शेयर मार्केट बहुत बड़ा है तो 61% दे दिया, लेकिन इसीलिए मैंने पिछले 17 साल का एनालाइज किया है जिसके अंदर आपका 2009 और 8 का भी कवर हो गया है, तब शेयर मार्केट लोएस्ट पर था। अब हम सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं कि मान के चलिए अगर यदि मैं यही 500 रुपये अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूँ इसमें SBI इक्विटी फोकस फंड में या किसी भी फंड में, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। ये देखिए, ये मेरे आपके सामने सिर्फ कैलकुलेटर है, मैं यहाँ पर मंथली कर रहा हूँ 500 रुपये और मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न कर रहा हूँ कि 20%, जो कि मैंने आपको बताया था, और मैं टाइम पीरियड ले रहा हूँ 30 साल। तो ये देखिए मैजिक, यानी कि आपकी टोटल फंड वैल्यू 1,16,80,000 हो जाएगी। मतलब इतना हाई रिटर्न आपको मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट आवाज आपने कितना किया, बहुत शॉर्ट किया। देखिए, मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ हवा में नहीं बताई है। SBI इक्विटी फंड 20% रिटर्न दे रहा है वो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ कैलकुलेशन मैंने ऑनलाइन करके बताया, ये मेरे कैलकुलेशन नहीं। ग्रो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां आपको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये टोटल वैल्यू 1,16,00,000 आ 16 लाख आ रही है। तो मैंने आपको बोला कि आप किस तरीके से 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा
कि आप भी अपना लोन टेक ओवर करवाएं अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रही है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि आपका पूरा 30 साल के अंदर 1 करोड़ की सेविंग हो रही है आपकी। तो मतलब यानी कि आप 1 करोड़ रुपये बचा लेते हैं अगर यदि आप सिर्फ अपना होम लोन टेक ओवर करवाते हैं जो कि 0.25 के अंतर से। यानी कि मैंने तो कई कई लोगों को देखा है जो होम लोन भी 15-15, 20-20% पे ले लेते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ 0.25% की बात कर रहा हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स और होम लोन टेक ओवर कराने के लिए आपकी फ़ीस क्या लगती है? प्रोसेसिंग फ़ीस जो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा नहीं रहती। TIR वैल्यूएशन फ़ीस जिसकी भी कीमत सिर्फ 10,000 के अंदर आपकी ये दोनों रिपोर्ट से हो जाती है। स्टाम्प ड्यूटी 5,000। टोटल मिला के 30,000 से ज़्यादा का आपका खर्चा नहीं है इसमें। और आपको बेनिफिट देखिए आप कितना ज़्यादा मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि होम लोन टेक ओवर किस किस से कराएं। देखिए मैं तो आपको सलाह दूंगा होम लोन टेक ओवर आप SBI से कराएं। SBI से कराने का फ़ायदा ये है, एक तो ट्रस्ट है, ब्रांड का नेम है। हमेशा आप ये देखिए मार्केट में लोएस्ट रेट रहेगी तो SBI की रहेगी, तो कभी आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। बाकी आप HDFC में भी टेक ओवर करवा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्राइवेट बैंक है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चल रहा है होम लोन पे तो आप टेक ओवर ज़रूर करवा लेंगे। और प्लीज़ अगर आपको कोई कमेंट्स करना है, कुछ सुझाव देने हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी।